स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नरसिंहपुर में निधन की खबर मिलते ही संत समाज गहरे शोक में है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम सांस लेने की जानकारी मिलते ही राजधानी जयपुर के संतों ने भी शोक जताया। गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन को संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। आज एक विभूति तत्व का देवलोक गमन हुआ है, जो एक बड़ी हानि है। उनकी कार्यशैली हर पल हमारे मन में समाई है। गलता जी उनका लगाव रहा है और गलता जी के सूर्य कुंड में आकर कई बार स्नान भी किया। उनकी साधुता बड़ी महत्वपूर्ण रही है। भारतवर्ष में शंकराचार्यों का जो एक मान्यता और जिस तरह की सनातन की परंपरा से उनका जो सम्मान है, उस दृष्टि से एक विभूति तत्व से स्वरूपानंद जी, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का आज जो देवलोक गमन हुआ है, वो समाचार बड़ा दुखद है। और इस दृष्टि से भी कि सनातन धर्म की बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि वो ज्ञान और अपनी जो भी उनका तेज और उनका जो विचार, वो सब कुछ भारतीय सनातन परंपरा के अनुरूप रहा है। उन्होंने जो कुछ भी दिया वो सब लोगों के हृदय में हमेशा विद्यमान रहे। आज वो हम लोगों के मध्य नहीं है, लेकिन उनकी जो भी कार्यशैली रही है, जो भी उनका स्वरूप रहा है, वो सब लोगों के हृदय में विद्यमान रहे। और मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि वो उनको अपने श्री चरणों में उनको कैंकर्य प्रदान करें। यहाँ गलता जी से उनका बहुत जुड़ाव रहा, वो आते भी रहे। कई ग्रहण पर्व पर आके उन्होंने यहाँ गलता के सूर्य कुंड में स्नान भी किए। यहाँ जब जब वो आए तो गलता जी उनका आगमन हुआ, और जब भी कभी वो इस तरह के यहाँ आते थे तो मुझे वो सूचित अवश्य करते थे। तो मुझे भी लगता है कि वो जिस तरह का सहज स्वभाव उनका था, ऐसा इतने बड़े स्थान पर आकर के जो साधु तत्व, जो साधुता उनके अंदर थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। और मैं आज उनसे जो समाचार मिला, उनसे जो एक अनुभूतियाँ मुझे जीवन में रही हैं, वो उसको लेकर के मुझे भी मन में बड़ा खेद है।